नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 जनवरी 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड स्कूटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, यूपीटेट दोस्तों परीक्षा को लेकर क्या बड़ी अपडेट है उस अपडेट को आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों देखिए, इस समय की जितनी भी बड़ी अपडेट है पहले वो आपके सामने रखेंगे, और कोरोना की दोस्तों क्या हालत है, क्या केसेस आ रहे कितने, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों कोविड की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 2,77,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं, 442 लोगों की जान गई है 24 घंटे के अंदर। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है, इस समय हमारे देश में 18 लाख से ज्यादा मामले एक्टिव केसेस के अंदर आ रहे हैं, मतलब 18 लाख से ज्यादा लोगों में इस समय कोरोना का संक्रमण है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ और बड़ी अपडेट, जैसे कि देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट आ रही है। और देखिए दोस्तों, लगातार परीक्षा स्थगित होने का दौर जारी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए, यूपी में दोस्तों अगले 2 हफ्ते पीक पर होगा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये 2 हफ्ते जैसे ही हमारे टल जाएंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद कोरोना के केसेस घटने शुरू होंगे। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके आप बच के रहिए, ये 2 हफ्ते ये दोस्तों थोड़े से भारी है। उसके बाद देखिए इस अपडेट को जरा, सीएम को ट्वीट कर टीईटी परीक्षा कराने पर उठाए गए सवाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि युवा मंच कार्यकर्ताओं ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर टीईटी परीक्षा कराने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया। अध्यक्ष अनिल सिंह ने दोस्तों देखिए इस संबंध में छात्रों से संवाद किया, और उनकी दोस्तों आम राय थी कि जब शिक्षक भर्ती अभी इसका कोई अता पता नहीं है तो टीईटी कराने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जब सरकार ने नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा धोखा दिया छात्रों को, क्योंकि बच्चे मांग कर रहे थे लगातार कि 97,000 पदों पर नई भर्ती आनी चाहिए, सरकार ने दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली। जब यह भर्ती ही नहीं आ रही तो टेट कराने का मतलब क्या है। पिछले कितने साल से बच्चों ने टेट क्लियर करके बैठे, कोई रोजगार नहीं। 2019 में टेट हुआ था, कुछ नहीं मिला। 2020, 2021 क्या हुआ दोस्तों, कभी सी टेट का पेपर बच्चों ने पास किया, कभी यूपी टेट का, लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो क्या फायदा है था? तो इसको जरा समझिए। इसीलिए दोस्तों बच्चे अब सवाल उठा रहे हैं कि भैया पेपर कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, ठीक है 15-20 दिन के बाद भी अगर इस पेपर को करा लिया जाएगा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेन क्या है कि कोरोना के मामले थोड़े घट जाएंगे तो ठीक रहेगा। और उसके बाद जरा देखिए आगे की अपडेट, सीएम को दोस्तों ट्वीट कर परीक्षा के आयोजन पर सवाल उठाया है, और ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आती है, यूपी टेट का पेपर 99 केंद्रों पर 80,000 अभ्यर्थी कड़ी सुरक्षा में देंगे परीक्षा। 23 जनवरी को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, मजिस्ट्रेट वीडियोग्राफर की तैनाती। अब देखिए दोस्तों कि 99 केंद्र है, 80,000 से ज्यादा बच्चे पेपर देंगे, तो तकरीबन दोस्तों हर केंद्र पर 500 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, या लगभग 1,000 के करीब बच्चे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा बच्चे हर एक केंद्र पर होंगे, तो सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि एक एक केंद्र पर 500, 600, 700 बच्चे, 800 बच्चे तक रहेंगे, तो क्या ये खतरे की दोस्तों घंटी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कोरोना के लक्षण बहुत बड़े नहीं होते हैं, सर्दी जुकाम वाले भी लक्षण हो सकते हैं कोरोना के, और बुखार वाले, खांसी वाले, ठीक है। तो ये सब बड़ी दिक्कत है गाइस। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद देखिए इसी भर्ती को नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी टेट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग हो रही है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पीसीएस या एम लिख गया है, मेंस स्थगित करने की अपील है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीसीएम लिख दिया जाता है जल्दबाजी में। परीक्षा टालने की दोस्तों लगातार मांग की जा रही है। एक नज़र में परीक्षा पर दोस्तों देखते हैं कि मास्क और सैनिटाइजेशन कैमरे की निगरानी। बाकी दोस्तों अगर आप यूपी टेट का पेपर इससे पहले देने गए होंगे तो आपको दोस्तों पता रहा होगा कि भैया कोरोना के क्या इंतजाम आपके सेंटर पर थे। उस समय भी दोस्तों कोविड था, लेकिन इस समय ज़्यादा तेजी से ये फैल रहा है। उस समय के दोस्तों केसेस की बात करें और अब मैं बात करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब 400 से ज्यादा लोगों की जान जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। बाकी दोस्तों पूरी दुनिया में देख सकते हैं कोरोना के मामले, हमारा देश अभी तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा, ठीक है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर दोस्तों फ्रांस है, और तीसरे पर दोस्तों हमारा देश इंडिया, जहाँ पर कोरोना के मामले इस समय सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो छोटी सी लापरवाही दोस्तों और दिक्कत हो सकती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले 2 हफ्ते पीक पर होगा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, ये वाली बात जो खबर है थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने बेहद सावधानी, ठीक है, कहीं 2 हफ्ते कहीं 2 महीने के हैं। कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में शीर्ष पर होगी। यूपी में 19 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच कोरोना की तीसरी लहर सर्वोच्च संक्रामकता के साथ चलेगी। बिहार में दोस्तों 18 जनवरी और हरियाणा में 20 जनवरी तीसरी लहर का पीक होगा।
हर जगह दोस्तों अलग अलग तारीख आपको दिख रही है। दिल्ली को 28 जनवरी से राहत मिलेगी। यह लहर दोस्तों बहुत ही घातक नहीं है, पर पूरी सावधानी जरूरी है। तो दोस्तों घातक नहीं तब भी 400 से ज्यादा लोगों की जान चली जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी घातक होती तब क्या होता, लेकिन घातक तो है ही दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि घातक नहीं। पिछली बार भी कुछ ऐसी लोगों की जाने जा रही थी, इतने केसेस आ रहे थे। तो फिलहाल आप लोग सावधानी बरतिए। बाकी देखिए यूएसए जैसे देशों में एक दिन में 1720 लोगों की जान गई है। अब चलिए दोस्तों बात आते हैं भैया, कोरोना की अपडेट तो हो गई, बाकी अब परीक्षा पर भी बात हो जाए। इस बात को जरा ध्यान रखिए कि परीक्षा से कितने समय पूर्व तक प्रवेश आपका हो सकता है, 30 मिनट पहले तक। तो याद रखिए दोस्तों, परीक्षा से 30 मिनट पहले तक ही आपको एंट्री मिलेगी। प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। प्रत्येक केंद्र पर दो पर्यवेक्षक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ रहेगा वीडियोग्राफर। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 9:30 बजे के बाद प्रवेश आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह से दोस्तों ये अपडेट आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि DIOS अमरकांत सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी को परीक्षा समय से आधा घंटा पूर्व हर दशा में परीक्षा केंद्र के अंदर होना होगा। पहली पाली में 9:30 बजे और दूसरी पाली में 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। जिन परीक्षार्थियों के अभिलेख पूर्ण नहीं होंगे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों अपडेट है, जैसे कि आप पिछली बार गए थे इसको जरा ध्यान रखिएगा, कोई लापरवाही मत करिएगा। देखिए गाइस, पेपर समय अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं ना तो फिर ज्यादा टेंशन हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि बनारस की एक बड़ी अपडेट आपके सामने रखी कि प्रशिक्षण में पॉजिटिव मिली महिला शिक्षक, मचा हड़कंप। ये देखिए वाराणसी से अपडेट है। जनपद के BRC केंद्रों पर चल रहे 4 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण में पिंडरा BRC पर महिला शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिली। सरिता देवी नामक शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव मिलने से शिक्षकों में हड़कंप मच गया। शिक्षक भागकर कमरे से बाहर निकल गए। आप सोचिए दोस्तों की खबर आते भैया शिक्षक भागकर कमरे से बाहर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, अब क्या बताया जाए। बाकी आगे की अपडेट जरा देखते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर PCS मेंस और UPTET परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। देखते हैं क्या खबर आती है निकलकर, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई, तो आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है ना 100% वाली करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो आप सोचिएगा कि भैया पेपर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए मेन बात क्या है ना कि गाइस जब भर्ती ही नहीं आ रही तो पेपर का मतलब क्या है UPTET का। कुछ दिन बाद भी हो जाए ठीक है, कोरोना के मामले भी कम हो जाएंगे तो भी ठीक रहेगा, आराम से पेपर हो। लेकिन दोस्तों इस समय दिक्कत यही है ना, देखिए एक तरफ कहा जा रहा है कि फ्री में बस की सुविधा। अब सोचिए दोस्तों जब कोरोना के मामले पीक पर अब चलने शुरू हो रहे हैं, उस समय कोई बस में सफर करता है, बस में भी दोस्तों रूल हो जाता है ना कि पूरी बस भर के नहीं जाएगी, आधे लोग भरेंगे, एक एक सीट की मतलब सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ऐसे भी तो नियम बनाए जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों अब आपके सामने सब कुछ है। बाकी देखिए तृतीय सेमेस्टर प्रमोट पर अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। फिलहाल यही मान के चलिए भैया आपका ठंड का पेपर होगा। अब दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख थी वो निकल चुकी है, ठीक है। आप जिस भी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसी सेमेस्टर का आपको पेपर देने का मौका दिया जाएगा। बाकी दोस्तों DLED में स्कूटनी रिजल्ट और बैक पेपर डेट शीट सारा दोस्तों लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए दे दिया है, वहां से लगातार चेक करते रहिए। जैसे ही दोस्तों इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल परीक्षा की तैयारी करते रहिए, मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, जहां पर UPTET CTET SuperTET और DLED की सारी अपडेट्स होंगी, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है आप तक हम पहुंचाते हैं। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, UPTET सोशल मीडिया के फॉर्स से सावधान रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।